उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे आज कार्यकर्ता समन्वय बैठक में सिटी लाल मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र एस विंद को जिताने के लिए जनता से अपील की। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर समन्वय बैठक कर रहा हूँ और यह 35वां लोकसभा का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यूपी में हम अधिकांश सीट जीत रहे हैं और 4 जून को दिल्ली में बीजेपी को बेदखल कर गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इन 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस गठबंधन को सही स्वरूप दिया, उसका उद्देश्य मात्र रहता है कि इस देश की जो अधिकांश बहुमत है जो मोदी जी के पक्ष में नहीं है, ऐसे सभी पार्टियों को पक्षों को एकत्रित कर और इस बहुमत को मोदी जी के खिलाफ मजबूती के साथ हम पेश करें। और इसी के संदर्भ में इन 80 सीटों की लोकसभा में गठबंधन की समन्वय के लिए हम निकले हुए हैं। ये आज 35वां लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हम इस समन्वय बैठक को कर रहे हैं। यहां पर भले ही हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, लेकिन गठबंधन माननीय राहुल जी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनका स्पष्ट ये मत है कि जहाँ जहाँ भी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्हें सामूहिक रूप से बेहतर समन्वय के साथ हम मुकाबला करें। और मैं दावे के साथ बहुत ही गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतर गठबंधन के समन्वय के साथ हम अधिकांश सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं और आने वाली आगामी 4 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, जो कि मोदी के नेतृत्व में आज आसीन है, उसे दखल कर और गठबंधन की एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, माननीय प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार कार्य में लगी हुई है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का भी जो संगठन है, उसके बीच में समन्वय कार्य भी वो कर रही है। तो वह ने बहुत स्पष्ट स्वयं होकर यह निर्णय लिया है कि इस वक्त मैं पार्टी का कार्य करूँगी। आदरणीय राहुल जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली अमेठी के चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका होगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो हमारे प्रभावी उम्मीदवार हैं, जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वो प्रचार करें। मोदी जी ने भी और डर करके फिर अमेठी सीट छोड़ करके रायबरेली भाग जाते हैं, इस पर क्या? देखिए, आदरणीय मोदी जी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों? सुबह सो के उठने से लेकर और रात को सोने तक और सपने में भी उन्हें राहुल गांधी जी क्यों दिखते हैं? राहुल गांधी जी पूरे देश में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस और गांधी परिवार की पुरानी सीट है जिस पे हमेशा गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करते आए, इंदिरा जी से लेकर माननीय राजीव गांधी और विशेष रूप से मिसेज आदरणीय सोनिया जी इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ। रायबरेली और अमेठी पूरे परिवार के लिए एक परिवार के रूप में है, गांधी परिवार के साथ एक परिवार के रूप में है। और एक परिवार के रूप में निश्चित रूप से अब जब सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई हैं तो वहाँ की लोगों की सेवा और जो विकास कार्य है उसको गति देने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी को लड़ने का निर्देश माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी ने दिया है, जिस आदेश का वो पालन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन चिंता ना करें, अमेठी में भी भारी बहुमतों से केएल शर्मा जी, जो कि परिवार के सदस्य के रूप में ही हैं और पिछले 30 वर्षों से संगठन कौशल के साथ, गांधी परिवार के साथ, पूरी वफादारी के साथ सेवा करते आए हुए हैं, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक अपनत्व है, एक उनका पारिवारिक नाता है और बहुत भारी मार्जिन से अमेठी में वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, मंदिर का दर्शन और ये हर एक की व्यक्तिगत निर्णय होता है, उसके ऊपर में वो कब जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसके बारे में कोई विशेष रूप से जाहिर रूप से उसको आदेश करने की जरूरत नहीं। लेकिन सही बात ये है कि आज
मंदिर और मस्जिद जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है, बेहतर भाईचारे के लिए, देश के विकास के लिए, और जो वादा माननीय राहुल गांधी जी ने ही नहीं, जो वादा इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में किया, उस चीज़ पे आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? जो प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से बार बार पूछ रहा है, इस देश की जनता पूछ रही है, राहुल गांधी जी से इस देश के आदरणीय अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है कि इस देश में 15 लाख रुपए हर के खाते में देने का जो वादा उन्होंने किया था वो कब पूरा होगा? इस देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा माननीय मोदी जी ने किया था, उस्मान से 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां, वो कब देने जा रहे हैं? इस देश की अर्थव्यवस्था जहां 1 रुपये की कीमत अब 50 पैसे से भी कम हो गई है, उस कीमत को कब स्थिर और आगे बढ़ाएंगे? इस देश में रोजगारी, किसान भूखा मर रहा है, 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, उन लोगों को 2 गुनी आमदनी देने का वादा जो किया था उसको कब देंगे? तो माननीय मोदी जी इस देश के भाईचारे को कमज़ोर करने के बदले इस देश के भाईचारे को कैसे मजबूत किया जा सके और लोकतंत्र के सहारे इस देश का संविधान की रक्षा कैसी हो सके, उस पर जवाब दें इस देश की जनता को, जो आज इस देश की जनता जानना चाहती है। और आज मोदी जी के चेहरे को वो पहचान चुकी है और 2024 के इस चुनाव में इस देश की जनता ने अपना मानस बना लिया है, अपना मन बना लिया है एक बदलाव का, जो पूरे देश में नज़र आ रहा है। और 4 जून 2024 को इस देश की जनता गठबंधन की एक मजबूत सरकार दिल्ली में स्थापित करेगी। काले धन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।